Ania. I didn't get the chance to get the book. It's okay. Al-Wahdatu Thaniya, second unit, Al-Usra means family. Yes. Now read this. Al-Husra Lawwal Untur Wastami' Wa'id Ali, Assalamu Alaikum Ammar Wa Alaikum Assalam Ali, Hadi سورة أسرتي عمار ما شاء الله من هذا علي هذا والدي عدنان وهو مهندس عمار ومن هذه علي هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة عمار ومن هذا علي هذا أخي عيسى وهو طالب عمار ومن هذه علي هذه أختي عبلة وهي معلمة معلمة مطلب معلمة professor teacher professor okay अब यहाँ पे देखें जो शद्दा है कि नीचे कसरा है तो इसका मतलब है ये कसरा है अगर शद्दा के ऊपर हरकत होती तो ये फतह होती फतह होता जी وهذه جدي وهذه جدتي عمار ما شاء الله اس پورے ڈائلوگ سمجھ آ گئی ہے جی ہاں سورہ مطلب تصویر ہے نا بالکل تصویر کوئی مشکل لفظ ہو تو پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ المفردات العرض المفردات مفردات وکیبلری المفردات العرض العرض عرض کا مطلب کیا ہے سعد بھائی پریزنٹیشن شو ڈسپلے انظر واستمع وعد صورة پکچر اسرا جد 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 جدن جدن اس کو ہم پڑھیں گے جدن اس کو جدتن جدتن جی معلمة طالب والدة والد والد یہ اسرت ان کو تو وہ تصویر سے ملانا ہے اور والد کو ہے نا اوپر والد سے لگانا ہے بالکل ٹھیک ہے یہ بس آپ نے تصویریں جوڑ دینی ہیں جب آپ کے پاس کتاب ہوگی نیکسٹ الحوار الثانی انظر الحوار الثانی سا کے اوپر شدہ ہے تو اس کو ہم نے دمہ کے ساتھ جوڑنا ہے رس الحوار الثاني انظر واستمع وعد وعد عمر هل هذه شجرة یہ کون سا جھاڑ ہے هل هذه شجرة کیا یہ فیملی ٹری ہے اچھا فیملی ٹری اچھا اس فیملی نے لکھا ہوا ہے نا اس میں وہ اس میں تکلم میں اسی طرح ہوتا ہے جب کوئی چیز انڈرسٹوڈ ہو تو اس لفظ کو ہم نہیں بولتے اب یہاں پہ ہونا چاہیے تھا حل حاضی شجرت نسبی لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے اس لیے ہم نے نہیں پڑھا اوکے عثمان عثمان نعم هذه اسرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر صلى الله عليه وسلم عثمان هذه والده عبد الله هذا والده عبد الله عمر وهذه والدته آمنة عثمان وهذا جده عبد المطلب عمر وهذا أمه العباس عثمان وهذا عمه حمزة عمر وهذا عمه أبو طالب عمه مطلب چاچا نا چاچا یہ آپ کے چاچا ابو طالب ہیں ہاں his چاچا yes his چاچا his uncle جی عثمان وهذه عمته صفية پوپی Yes, puppy, auntie.
उमर वहादा इब्नुहू अल कासिम उस्मान वहादा वहादा इब्नुहू अब्दुल्लाही वहादल अब्नुहू अब्दुल्लाही इब्नुहू इब्नुहू वहादा इब्नुहू अब्दुल्लाही उमर वहादा इब्नुहू इब्राहिम उस्मान वहादिही बिन्तुहू फातिमा इब्नतुहू इब्नतुहू वहादिही इब्नतुहू फातिमा एक डाउट है साथ जी भाई, जी जी ये जो दम्मा है ना, ये दम्मा का मतलब क्या हुआ? इब्नून होता है, ये इब्नून होना चाहिए था ना, तो ये इससे जुड़ रहा है बोल के, हाँ से जुड़ रहा है बोल के डबल चल गया ना। लस के जो इसम होता है अरबी में अमूमन उसके आखिर में हम तनवीन यानी कि दो दम्मा लिखते हैं, और दम्मा होते हैं ना, तो ये एक दम्मा हो गया है, तो लेकिन हाल लग रहा है बोल के हो गया क्या वो? लेकिन जब इसम बनता है मुजाफ तो उसके साथ हम तनवीन नहीं लगा सकते। ये हाँ अरबी का कानून है कि जब इसम बनता है मुजाफ उसके साथ हम तनवीन नहीं लगा सकते। तो ये मुजाफ को इंशाल्लाह इब्राहिम आप आगे ये तफसील से पढ़ेंगे। जो ये वहादा वहादा इब्नुहु इब्राहिमी है ना, अच्छा जी इब्राहिम। अब यहाँ पे जो इबन है ये मुजाफ है और जी जो हा है ये मुजाफ इले है, इनका ओके अलहदा हो गया। आगे जो इब्राहिम है वो खबर है, खबर होती है मरफू। मरफू का आपको पता है नहीं पता अभी? मेरे को मुजाब मुजाब विलाई का पता है। ठीक है, तो इब्राहिम में खबर है, खबर होती है मरफू। तो इंशाल्लाह इन दोनों चीज़ों को भी हम बाद में तफसील से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़नी है एक दम्मा, क्योंकि ये ममनू नफ्स है इब्राहिम, इसके साथ हम दो दम्मा नहीं लगा सकते। ये भी चीज़ इंशाल्लाह आपको आगे तफसील से पढ़ाएंगे। अच्छी बात ठीक है, है, ठीक। बस अभी फिलहाल ये याद कर लें कि यहाँ इब्राहिम के साथ एक दम्मा है, कसरा नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि खबर है, खबर के साथ कसरा नहीं लगाते हम। ठीक है, ठीक है, ओके। उस्मान वहादिही इब्नतुहु फातिमा उमर वहादिही इब्नतुहु रुकैया उस्मान वहादिही इब्नतुहु ज़ैनब उमर वहादिही इब्नतुहु उम्मु कुलसुम। ठीक हो गया। इसमें कोई सवाल? ठीक, नहीं नेक्स्ट। जी, المفردات الأرض انظر واستمع وعد شجرة عدنان عمة ابنه हाँ بنت होना चाहिए ना। बिंत भी कहते हैं, लेकिन बिंत जो होता है वो यानी कि कॉमन लड़की के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जो इब्ना होता है वो स्पेसिफिक होता है अपनी बेटी के लिए, ठीक है, जबकि जो बिंत होता है वो किसी की भी हो सकती है, वो थोड़ा सा कम स्पेसिफिक है। तो ये इब्ना है, जी ये इब्ना है, ये ज़्यादा स्पेसिफिक लफ्ज़ है। बिंत भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इब्ना ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। तो आगे ये वही सवाल इन आपने जोड़ने तस्वीरों के साथ लफ्ज़, या आप जब किताब होगी तो जोड़ देना। नेक्स्ट, الحوار الثالث انظر واستمع واعد الأم هذا أذان الفجر الفجري أذان الفجر أذان مطلب क्या है मतलब अजान को हम उर्दू में भी अजान ही कहते हैं, जो हम मस्जिदों से 5 टाइम सुनते हैं, ये वो अजान है। जो ये अलउम फजर की अजान है। ओके ठीक है, ये फजर की अजान है। अबू अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल औलादु मेरी औला बच्चे किधर है मतलब ना।
बिल्कुल, बच्चे किधर हैं? ठीक है, الأم سعد في الحمام حمام قد أو يتوضأ سعد في الحمام يتوضأ. हाँ, सात हमाम में वजू कर रहा है, या लगा तो प्रेजेंट हो गया ना वो. बिल्कुल, ये फेल मुजारे है। अरबी में तीन फेल होते हैं, कितने फेल होते हैं? तीन होते हैं, तीन, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अरबी में नाम आते हैं आपको इनका? अरबी में नाम, माजी तो उसको बोलते हैं, पास्ट होता पास्ट, ठीक हो गया। मुजारे, मुजारे, वो तो प्रेजेंट. प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों, प्रेजेंट हाँ, और भी होता है शायद, और फ्यूचर भी, ठीक है। जी अच्छा जी, तीसरा कौन सा है? अमर है क्या? अमर, फेल अमर, ये कौन सा होता है? ये हुक्म होता है, ऑर्डर. हुक्म, ठीक हो हाँ, गया, ठीक हो गया, ऑर्डर, हुक्म, ऑर्डर, इंपरेटिव ठीक हो होता गया। है. जी हाँ, तो कितने फेल हुए अरबी में? तीन फेल हो गए, एक तीन, माजी है, एक मुदारे है, और एक अमर, जी ठीक हो गया। ये स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना? सही। जी बराबर, जबरदस्त लग रहा है. अच्छा जी, अच्छा जी, ये जो है ना, ये तवद्दो, ऐसा जब भी आपको फेल नजर आएगा, ये फेल मुजारे होगा, और जो इसके शुरू में या लगा हुआ है, इस या का मतलब है ही। यस यस, ठीक हो गया, इसकी गर्दन है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है. चलिए, माशाल्लाह। الأب وأين سعيد؟ الأم سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. سعيد है ना, रीडिंग रूम, रूम में है, रीड कुरान. कुरान पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, ठीक है, रीडिंग कुरान, सही है। الأب وأين سعيد؟ الأم سعيدة في المصلى تصلى. تصلي، اب यहाँ पे या नुक्तों वाली है। अच्छा, तो वो है ना, तुसल्ली मतलब शी इज प्रेइंग. बिल्कुल, तो ता का मतलब है वो है शी। फली माजबारी मतलब क्या है, मतलब जी, तुसल्ली जो आ रहा है ना. तसल्ली का मतलब है शी इज प्रेइंग, वो नमाज पढ़ रही है। ओके, और ये मुसल्ला है, फिल मुसल्ली है, मुसल्ला. ये मुसल्ला है, इसके आखिर में अलिफ मकसूरा है, इसको हम पढ़ेंगे मुसल्ला। जी उस प्रेइंग रूम को कहते हैं, वो जगह जहां हम नमाज पढ़ते हैं, उसको हम मुसल्ला कहते हैं। सईदतुन फिल मुसल्ला तुसल्ली. अईन अल-मुतफ, عين المعطف، أين المعطف؟ سعد، هذا هو المعطف يا والدي. معطف مطلب क्या है इमाम साहब؟ मेतफ कहते हैं कोर्ट को, ये मेतफ की तस्वीर है, अच्छा, तो इंग्लिश में कोर्ट कहते हैं। इधर है ना, ये एक सवाल है मुझे. हाँ, जी, हाजा हुआ मतलब इट इज, ये ही इज मतलब है क्या, या इट इज है वो? जो फादर थे उन्होंने पूछा, मेरा कोट कहाँ है? आइनल में तफु, कोट कहाँ है? हाँ, अब ये जो बेटा है, ये इसने क्या किया, उनका कोट उठाया और उनके हाथ में दिया, और हाथ में देते वक्त कहा, हाजा हुवल मेतफु, ये है वो कोट आपका। ठीक है, ओके. यानी कि किसी को कोई चीज़ आपने देनी हो, तो उस टाइम आपने उस चीज़ देते वक्त आपने ये चीज़ कहना है, हाजा हुआ। ठीक है, और इसको मोनस, इसका कोई मोनस नहीं होता मतलब. मोनस होता है, या आगे मोनस की मिसाल लिखी हुई है, जब जो नज़ारा है वो मोनस चीज़ है, तो जब बेटे ने उनको एन नज़ारा ला के दिया, तो उसने कहा, हाज ही एन नज़ारा, ये हैं वो आपकी ग्लासेस। अच्छा,
ठीक बस ये याद करने कि जब भी किसी को कोई चीज देनी हो तो उस टाइम आपने ये इस्तेमाल करना ठीक है। वाइन नजारा सईद, है। हादी नजारा या वालिदी। अलअबू हया बिना इलल मस्जिद, हया कम बिना आओ हरे आओ साथ मेरे मजे चलते हैं। इलल मस्जिद, हया बिनल बिनल बिना इलल मस्जिद। बिना मतलब है ना, ना तो हमारे, ना मतलब हमारे आपके साथ, बिल्कुल आओ हम मजे चलते हैं। हया बिना इलल मस्जिद। सादन सईदन, हया बिना, आओ चलते हैं। ठीक है, नहीं कोई सवाल? होना, हया बिना। المفرد مفردات الأرض، انظر واستمع وأعد وأعد، مسجد مصلى القرآن، القرآن هي بنا، هيا بنا هيا بنا هيا بنا. نظارة نظارة you know. بالكل نظارة correct. معطف معطف، غرفة، حمام، يتوضأ، يتوضأ، يقرأ، يصلي، يصلي. अच्छा चलो एक चीज़ आपसे बात करूँगी तो ये थी ना याद नुक्तों वाली, जी ये जो याद नुक्तों वाली है हाँ अगर इसके साथ कसरा हो तो हम नहीं पढ़ते, अगर इसके साथ दम्मा हो तो नहीं पढ़ते, अगर इसके साथ तनवीन हो तो नहीं पढ़ते, लेकिन अगर इसके साथ फतह हो तो वो हम पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे दम्मा थी तो हमने इसलिए नहीं पढ़ी, युसल्ली। ठीक हो गया? नहीं समझा इमाम साहब ने, एक बार फिर से बोलिए। ये देखिए टाने, अच्छा जी ये लफ्ज है युसल्ली। जी ही इज प्रेइंग। हाँ ये आप नुक्तों वाली या है, ठीक है कौन सी या है जिसके साथ दो नुक्ते लगे हैं? अगर यहाँ पे लिखा हो दम्मा जी फिर आप इस पढ़ें जरा। यूसली ही होता है। बिल्कुल आपने दम्मा को नहीं पढ़ना। ओके अगर अगर नुक्ते ना हो तो उसे फता दे देते ना। उस वाली या को भी छोड़ दें, अभी अच्छा इसको हम देखें उस पर बाद में आएंगे। ठीक है, इसको भी आपने पढ़ा कि दम्मा को आपने नहीं पढ़ा, सही हो गया। जी अब आते हैं यहाँ पे कसरा, अब इस लफ्ज को पढ़ें। यूसली अभी भी आपने इस कसरा को नहीं पढ़ा, ठीक हो गया। जी हाँ। आप पढ़ें इस लफ्ज को, यूसली अब आपने फतह पढ़नी है, युसलिया। ठीक हो गया। अच्छा तो ये बात याद कर लें कि दम्मा दम्मा और कसरा को नहीं पढ़ना इस लफ्ज के साथ, लेकिन फतह को पढ़ना है। कौन सा लफ्ज जिसके आखिर में ये नुक्तों वाली या हो? ठीक है, जी दोबारा सुन लें, जिस लफ्ज के आखिर में नुक्तों वाली या हो उसके साथ दम्मा कसरा नहीं पढ़ना, लेकिन फतह हो तो फतह को लाजमी पढ़ना है। ठीक हो गया? यूसलिया बिल्कुल, जो बात समझ आई है मुझे आसान लफ्जों में बताएं क्या समझ आई है। जी। तो जो या वाली आखिरी में जो आती है ना, अगर उससे फतह आ गया तो आपको है ना उसको पढ़ना है, अगर दम्मा और कसरा आया तो वो नहीं पढ़ी जाती है। ठीक हो गया। आगे यूसली अम्मुन अबुन इब्नुन, अजानुन अल्फजरु अव्वल। जोड़ने वाला सवाल पढ़े क्या लिखा हुआ है? تفصل بين الكلمة والصورة المناسبة، بين
कलिमत थी, बस सूरत मुनासिबा, मुनासिब सूरत से कलिमा जोड़े। ठीक है, लफ्ज़ को मुनासिब लफ्ज़ के साथ जोड़ देना, ठीक हो गया। जी इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, مفردات إضافية الأرض انظر واستمع وعد ستة قلام ستة أقلام، ستة أقلام سبعة أقلام ثمانية أقلام تسعة أقلام عشرة أقلام اقلامین، اور یہ سب مذکر کاؤنٹنگ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جی ہاں، اور ہے نا اگر یہ واحد اور اثنان ہوتا تھا تو پھر کلمن واحدن، کلمانی اثنانی، جی ثلاث اقلامین، اربعہ اقلامین، خمسة اقلامین، ٹھیک ہو گیا؟ واحد اور اثنان اگر آ گیا ہے تو وی ہیو ٹو ریڈ دا فرسٹ ناؤن اینڈ دین دا نمبر عدد بول کریکٹ، رائٹ نیکسٹ التدريب صل بين العدد والصورة المناسبة یا کو جوڑ دینا، ٹھیک ہے، بعد میں جب کتاب ہوگی تو جوڑ دینا، تدریب ثانی، اور کتاب ہے نا یہی سے مذکر رہنے سے نا عدد پورا مؤنث ہوتا ہے بالکل جی التدريب رتب العدد التدريب الثاني، التدريب الثاني رتب الأعداد يعني كي النمبرز کو آپ نے ترتیب دینا ہے، ارینج کرنا ہے، اوکے التدريب النحوية التراكيب النحوية grammatical structures التراكيب النحوية अच्छा नहवी नहु है ना ग्रामर को बोलते हैं ना बिल्कुल, यानी कि आपने जुमलों की ग्रामर इस चीज़ में चेक करनी है, जो भी आप आगे पढ़ेंगे ना डायलॉग, उनमें जी आपने जुमलों के ग्रामर पे तवज्जो देनी है खास। ओके التدريب تبادل अव्वल التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين مثالين، مثالين المثال الأول المثال الأول المثال الأول أين طالب المعطف الأول طالب الأول أين المعطف طالب الثاني هذا هو المعطف هو المعطف المثال الثاني طالب الأول أين الغرفة؟ طالب الثاني هذه هي الغرفة ठीक हो गया, यानी अब ये रूम तो लाकर नहीं देगा ना पर हिया ले रहा है मतलब वो मुझे इसमें आप वो किसी चीज के बारे में बताने के लिए, फर्ज किया आपसे कोई पूछता है कि फलाना कमरा कहाँ है, तो आप उसकी तरफ जब इशारा करके बताएंगे या उसको बंदे को लेकर जाएंगे तो फिर आप कहेंगे हाँ ये गुरफा, ये है वो कमरा। ये है वो कमरा वो का मतलब है बिल्कुल, इब्न मुसल्ला अब मस्जिदुन आपने बंदा आपसे सवाल पूछेगा कि बेटा कहाँ है, तो अच्छा आपने उसको कहा ये है वो बेटा। طالب الأول أين الابن طالب الثاني هذا هو ابن हाजा हुवल इब्नु, इबन के साथ हम अलिफ लाम जोड़ेंगे, क्योंकि अच्छा अलिफ आप लाम का पता है क्यों जोड़ते हैं चेक लगा रहे हैं जी, सब्जेक्ट बनाना है ना उसको डेफिनेट डेफिनेट करने के लिए। ठहरे दो, नाउन बनाने के लिए बिल्कुल फर्ज किया मैं एक लफ्ज लिखता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने लफ्ज लिखा है राजुलुन, जी क्या मतलब राजुलुन का? आदमी है आमेन, एक आदमी, ओके ठीक हो गया।
जी अब मैं लिखता हूँ इसके साथ अलिफ लाम लगाता हूँ। अर राजू लू, अब इसका क्या मतलब है? मैन दी मैन, यानी कि खास कर दिया। जब अलिफ लाम लगाते हैं तो चीज़ क्या हो जाती है? खास हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है। और दूसरा, जब अलिफ लाम लगाते हैं तो हम तनवीन नहीं इस्तेमाल कर सकते, सिर्फ एक हरकत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे भी है। इबन ने, उसने पूछा आई नल इबनू, लड़का कहाँ है? उसने एक खास लड़के की बात की, तो जवाब में हमने कहा हाजा हुआ इबनू, अलिफ लाम लगा कर हमने भी उसको खास कर दिया। जी ठीक है, बेटा कहाँ है? हाजा हुवल इब्नु आइन अल मुसल्ला हाजा हुवल मुसल्ला आइन अल मस्जिद मस्जिदुन हाजा हुवल मस्जिदु आइन हम्मामुन أين الحمام؟ أين الحمام؟ هذا هو الحمام. أين الصورة؟ هذه هي صورة. صورة. هذه هو الصورة. هذه هي الصورة، هي لغانة مونوسلاس في صوت. هذه هي الصورة. أين الشجرة؟ هذه هي الشجرة. أين النظرة؟ أين النظارة؟ هذه هي النظارة. أين الابنة؟ هذه هي هي الابنة. الابنة. هي الابنة. التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين مثالين. مثالين جي اثنان ہے نا اثنان جی اسنان ہے، ڈیول ہے، مسنا ہے. ٹھیک ہے، المثال الأول طالب الأول أين سعيد طالب الثاني سعيد في غرفتي يقرأ القرآن اچھا ادھر ہے نا اس کو فتح لگائے تاکہ وہ یہ بتانے کی وہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ فعل مفعول بہی کسے کہتے ہیں؟ جی مفعول بہی کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا اچھا جی، آبجیکٹ آف دا سینٹینس کسے کہتے ہیں انگلش میں؟ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट انگلش जिसकी खबर देते हैं अपन انگلش میں جملے کے تین حصے ہوتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے؟ जी پہلا ہوتا ہے سبجیکٹ، جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ورب، کام کو ہم ورب کہتے ہیں، فعل کو ورب کہتے ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے آبجیکٹ، جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس آبجیکٹ کو عربی میں ہم مفعول بہی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ مفعول بہی، تو مفعول بھی اس آبجیکٹ کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس کے اوپر فعل کا ایکشن ہو رہا ہوتا ہے. اوکے، تو آبجیکٹ مفعول مفعول بھی پہ ہے نا فتحہ لگتا ہے اس کو بتانے بالکل، مفعول بھی کے اوپر ہمیشہ فتح لگتا ہے، منصوب ہوتا ہے. اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت نصب، وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب یہ قرآن کے اوپر فعل کا ایکشن ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر فتح ہوتی ہے. جی المثال الثاني طالب الأول أين سعيدة طالب الثاني سعيدة في الغرفة تقرأ القرآن تقرأ یہاں پہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ میل کے ساتھ ہم نے یا لگانا ہے، اور فیمیل کے ساتھ ہم نے تا لگانی ہے. جی تو یا کا مطلب ہے ہی، تا کا مطلب ہے شی.
सवाल पूछेंगे, साले कहाँ है? आई न सॉलिहुन साले मज मज पढ़ रहा है। अस अस सालिहु फिल मस्जिदी युसल्ली। सालेहुन फिल मस्जिदी यूसली। अब साले जो है प्रॉपर नाम है, तो जी इस नाम के साथ अलिफ लाम की जरूरत नहीं होती, हम लगा भी नहीं सकते। ठीक है, सालिहुन मस फिल मस्जिदी युसल्ली। नेक्स्ट। أين الصالحة؟ صالحة في المصلى تصلي. أين الشريف؟ شريف في الحمام يتوضأ. यहाँ इसको ऑब्जेक्ट है ना बोलता, तो अपन फता क्यों नहीं लग रहा है इसको। ये ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं कोई, अच्छा, ये सिर्फ फेल ही है। सिर्फ फेल है और ऑब्जेक्ट हमें नहीं है। सिर्फ एक्शन बता रहे हैं अपन। आई न शरीफ शरीफा शरीफा तुन फिल बैती ततवद्दउ الوحد الثاني الأسرة الحوادث الثانية، الحوادث الوحدة الإسلامية. الثانية right. الوحدة الثانية الأسرة الدرس أرب الدرس الرابع عشر، رابعة عشرة التدريب الثالث ني ثالث التدريب بولنا كيا التدريب الثالث. التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال طالب الأول من هذا؟ طالب الثاني هذا والدي عدنان هو مهندس. والد عدنان مهندس. अच्छा अपन को ये मन 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 वालिद वालिदुक बोलना है क्या? नहीं, बस आपने अब यूँ सवाल पूछने हैं। फर्ज किया ये तस्वीर है ना आम की, चचा की, तो आपने इस बंदे को देख के पूछना है ये कौन है। वो आगे से आपको अगला बंदा जवाब देगा कि ये मेरे चचा हैं, यहाँ पे आम लिखा हुआ है ना, तो वो कहेगा ये मेरे चचा हैं, फिर इनका नाम बताएगा, ये मेरे चचा उमर हैं और ये उस्ताद हैं। ठीक है, ओके मन अम मन हाजा, ये कौन है? मन हाजा अम बस मन आता पूछने, आपने सिर्फ बंदा देखा, आपको नहीं पता ये चच्चा है, चच्ची है, अच्छा, मामू है, कौन है? ठीक है। मन हाजा अम्मी हाजा हाँ, अम्मी, हाजा अम्मी उमर। अम के साथ आपने ये या लगाना है, या का क्या मतलब होता है मेरे। जी हाजा हाजा अम्मी। अम्मी उमर जी हाजा अम्मी उमरु उमरु है ना उमरु बिल्कुल रूह है। जी हुआ मुदर्रिसुन। मन हाजा जद्दी सालिमु हुआ तबीबु। सालिमुन, अब सालिम के साथ तन्वीन होती है। अच्छा क्यों क्यों उमर वो इसम उमर होता है था ना अरबी में, अरबी में जो इसम होता है उसके साथ हम हमेशा तन्वीन लगाते हैं अमूमन। अगर फ़र्ज़ किया हम तन्वीन ना लगाएं तो उसके हमारे पास रीज़न होनी चाहिए। अब यहाँ पे उमर, ये आप पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, उमर हो गया, ये ऐसे अल्फाज की कैटेगरीज हैं, छः सात कैटेगरी हैं, वो अंशर आप साथ साथ की साथ पढ़ेंगे, उनमें आपको बताया जाएगा कौन से लफ्ज़ के साथ हम नहीं लगाते अच्छा तन्वीन। ठीक है। तो हादा जद्दी सालिमुन हुआ तबीबुन मन हादा अखी सालिहुन हुआ तालिबुन मन हादा सदीक अली हादा मुअल्लिम هو معلم. اوكي، हुआ मुअल्लिमुन मुअल्लिमुन मतलब उस्ताद है। टीचर
उस्ताद प्रोफेसर। बिग बॉस। अतद्रीब अतद्रीबुल अरब राबिया ये अतद्रीब राबिया बोले حول كما في المثال حول كما في المثال حول مطلب का मतलब होता है तब्दील करें, चेंज करें, कन्वर्ट करें। अच्छा حول كما في المثال كما مطلب जैसा कि लाइक حول كما في المثال المثال طالب الأول هذا والدي أدناه طالب الثاني هذا والده أدنان هذا والدي أدنان ये मेरे वालिद साहब अदनान हैं हाजा वालिदुहु अदनान ये अदनान का फादर है ये उसके वालिद अदनान हैं, ठीक अच्छा है। ये उसके वालिद अदनान राइट 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 हाजी वालिदती खतीजा हाजा खतीजतु आजी हाजी खतीजतु नो नो हाजी वालिदतु खतीजा हाजा हाजा उख्ती आजी هذه اختي أختي سلمى هذه أختي هو اخته أتى يا ماي إف ميركو ماي لگانا ہے تو میری بہن अब पहले आपने कह दिया ना हाजी ही हाँ हाँ उख्ती, राइट 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 हाँ ये मेरी बहन है। अब दूसरा बंदा मुझे बताएगा कि ये आपकी बहन सलमा है, तो वो कहेगा हाजी ही أختو उख्तुहू सलमा, ये उसकी बहन सलमा है। جي هذا عمي عثمان هذا عمه عثمان هذا ابني علي هذا ابنه علي هذا عمتي عائشة هذه عمتي عائشة أمته هذه عمته عائشة هذا صديقي أحمد هذا صديقه أحمد इसको पढ़ें, ये रिवीजन ही है इसमें। चलो आगे चलते हैं। अल कलाम पे आ जाएं। الكلام كلام مطلب سنتنس نا कलाम का मतलब होता है बोलो, बातचीत। الكلام التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك تبادل السؤال أتشا. مع زميلك كما في المثال المثال طالب الأول أين أحمد طالب الثاني أحمد في المسجد يصلي أين أحمد अच्छा ये फातिमा का बोलना है ना फातिमा आईन फातिमा फातिमा फी मुसल्ला तुसल्ली ठीक है। आईन बदर अल बदर फिल बैती बदरुम फिल बैती, बदर फिल बैती यतवद्दउ يتوضأ أين زينب زينب في الغرفة تقرأ القرآن تقرأ القرآن أين عادل عادل في المسجد يقرأ القرآن التدارب الثاني تبادل تدريب الثاني التدريب الثاني تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال المثال طالب الأول السلام عليكم طالب الثاني وعليكم السلام طالب الأول ما هذه طالب الثاني
هذه صورة أخي هو مهندس طالب الأول ما شاء الله. السلام عليكم وعليكم السلام. ما هذه؟ هذه صورة أختي. صورة أختي هي مهندسة ما هي شاء الله. طبيبة. अच्छा ही है तबीबा। अच्छा फोटो देख के बोल रहा है। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वाह, हादा आप जी ही कहना है क्योंकि तस्वीर की बात हो रही है, बंदे की बात है, नहीं हो रही। अच्छा मां हादी सूरत वालिदी हुआ मुअल्लिम। वाह, मां हादी هذه عمي هذه عمي هذه صورة أمي. هذه صورة عمي هي طبيب. هو طبيب. I'm so sorry. هو طبيب. ما هذه؟ هذه صورة ابني. هو طالب. ما شاء الله. أوكي. نيكست. التدريب الثالث هات جملا كما في المثال. المثال هذا والدي علي هو مهندس. هذا والدتي هذه والدتي. والدته ختيجة هي طبيبة. هذا أخي سعيد هو معلم. هذه أختي سعيدة هي معلمة. هذا ابني بدر هو طالب. هذه ابنتي ندى هي طالبة. هذا عمي حمزة هو طبيب. التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال كما في الأمثلة. أمثلة. أمثلة ये जमा है क्या मिसाल की या बिल्कुल, एक हाँ मिसाल की जमा अमसिला, करेक्ट। كما في الأمثلة. أمثلة المثال الأول طالب الأول من هذا؟ طالب الثاني هذا أحمد. المثال الثاني طالب الأول من هذه؟ طالب الثاني هذه زينب. المثال الثالث طالب الأول ما هذا؟ طالب الثاني هذا مسجد. المثال الرابع طالب الأول ما هذه؟ طالب الثاني هذه صورة. ليلى شجرة عمر आपने पूछना है ये कौन है, अगला आपको बताएगा कि ये लैला है। من هذه؟ هذه ليلى. ما هذه؟ هذه شجرة. من هذا؟ هذا عمر. ما هذه؟ هذه أسرة. ما هذا؟ هذا حمام. من هذا؟ هذا علي. ما هذا؟ هذا قرآن. من هذه؟ هذه فاطمة. التدريب الخامس تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال طالب الأول هذا جدي عمار وهذه جدتي آمنة. طالب الثاني أهلا وسهلا. هذا والدي أحمد وهذه والدتي زينب. هذا ابني علي وهذه ابنتي عبلة. هذا أخي عمر وهذه أختي هدى. هذا عمي معاذ وهذه عمتي عزيزة. من والد رسول صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله.
والدة الرسول رسولي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. من جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. من عم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة. मनी बनू, मनी बनू हो गया ये, मनी बनू या यस ये इब्नू के साथ आ रहा है बोल के, क्या जी ये इब्नू से जोड़ना है बोल के कसरा आया क्या? बिल्कुल, जब हम इसको जोड़ते हैं तो हम सुकून को कसरा पढ़ते हैं। अच्छा, क्योंकि सामने है ना कसरा वाला अलिफ. बिल्कुल मनी बनू रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम. मनी बनत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा. अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मन वालिदु का आपके वालिद कौन है, नाम बताने आपने उनका। मोहम्मद जमशीद अली मन जद्दू का, इस्माइल मन अम्मू का, इरशाद मन सदीकू का। محسن. ठीक हो गया, ये नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अल किरा शुरू करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है ये सवाल है तो पूछ लें। मैं